हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कार्तिक। टुडे वी विल स्टडी एनवायरमेंटल स्टडीज, नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर्स, डिजास्टर क्या होता है? व्हाट इज अ डिजास्टर? इट इज अ सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑकरिंग ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट कॉजेस वाइड स्प्रेड ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस। डिजास्टर एक सीरियस डिसरप्शन रहता है। डिसरप्शन मतलब गंभीर सिचुएशन जो कि कम समय या फिर ज़्यादा समय में होता है, जो कि वाइड स्प्रेड ह्यूमन यानी कि ह्यूमन वेस्ट, मटेरियल और इकोनॉमिक लॉस करता है और इन्वायरमेंटल लॉस भी। डिजास्टर के एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे कि साइक्लोन हो गया। तो साइक्लोन आता है, तो जब साइक्लोन आता है तो वो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो भी एक डिजास्टर हो गया क्योंकि उससे घर टूट सकते हैं और भी सब भी चीज़ हो सकता है। और सुनामी जो कि समुद्र के वजह से आते हैं, जो सुनामी तब आते हैं जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आते हैं, तब सुनामी आते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, दो तरह के डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स दे आर कॉज्ड बाई नेचुरल फोर्सेस लाइक सडन क्लाइमेट चेंज। Steps can be taken to minimize the effect. Example, tsunamis, drought, flood, etc. Natural disasters खुद से बनते हैं, खुद से होते हैं और वो natural होते हैं, मतलब खुद से बनते हैं, nature से खुद से होते हैं। और वो तब होते हैं जैसे कि अचानक climate change हो जाता है और उससे हम लोग बच सकते हैं, जैसे कि तैयारी कर कर उससे बचा जा सकता है। Example, tsunamis, drought, flood, etc. Man-made disaster, man-made disaster. They are caused by the activities of man and can be avoided by careful planning and precaution. Man-made disaster हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग उसको avoid कर सकते हैं अगर हम लोग careful planning करें और precaution होगा। For example, hazardous material spills, explosions, etc. Hazardous एक material spills का मतलब हुआ कि खतरनाक मटेरियल जैसे डैम जैसे कि और एक्सप्लोजन, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और सब भी एक्सप्लोजन। अर्थक्वेक, अब हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ सडन सेवर वाइब्रेशन ऑफ अर्थ दैट कैन कॉज मैमथ डैमेज टू ह्यूमैनिटी। अर्थक्वेक एक सडन सेवर वाइब्रेशन होता है, मतलब कि अचानक से अर्थ हिलने लगता है पूरा और सब चीज हिलने लगता है। यहाँ पर मैमथ डैमेज का मतलब हुआ बहुत डैमेज। मैमथ एक हाथी जैसा एनिमल होता था जो कि 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, या फिर उससे पहले भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। हाथी जैसा बहुत बड़ा एनिमल था, उसमें इसका मतलब है कि बहुत डैमेज होता है ह्यूमैनिटी और घर हिलने लगता है, घर सब टूट जाता है अर्थक्वेक में। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड हिलने लगता है पूरा, ग्राउंड रप्चर होता है और कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स गिरने लगता है। टेक्टोनिक प्लेट्स, दीज आर द गिगेंटिक पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मैंटल। मैं बाद में बताऊंगा कि क्रस्ट और मैंटल क्या होता है और उसके ये गिगेंटिक पीसेस होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। हाइपोसेंटर, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक भी जैसे कि और सब डिजास्टर कहीं से शुरू होते हैं, वैसे भी अर्थक्वेक भी कहीं से शुरू होता है और जहाँ से वो शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं। और एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली। एपिसेंटर हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ की जहाँ पर अर्थ का जो इफेक्ट्स होते हैं वो सबसे स्ट्रांगली होता है। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर बनाया है, यहाँ पर ये एक अर्थ का पिक्चर और यहाँ पर कुछ बना हुआ है रेडार जैसा, लेकिन ये रेडार नहीं है। यहाँ पर जो ये है, ये जो सबसे ऊपर का लाइन है वो क्रस्ट हुआ। अर्थ के लेयर्स होते हैं ये सब जो है वो, ये सब अर्थ के लेयर्स है। सबसे पहला लेयर क्रस्ट होता है जिस पर हम लोग रहते हैं। क्रस्ट का सबसे ऊपर, क्रस्ट अर्थ का सबसे ऊपर लेयर होता है जिस पर हम लोग रहते हैं। और उसके बाद मेंटल आता है। मेंटल एक बड़ा लेयर होता है जो कि क्रस्ट के नीचे होता है। और टेक्टोनिक प्लेट्स वो होते हैं जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में होते हैं, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर होते हैं।
क्रस्ट के लोवेस्ट पार्ट पर और मेंटल के सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट पर, मतलब बीच में होते हैं। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और फिर आता है आउटर कोर। आउटर कोर ये हो गया, ये आउटर कोर हुआ जहाँ पर लावा होता है। आउटर कोर और इनर कोर में लावा होता है। लास्ट में आता है ये सबसे अंदर का लेयर जो कि है इनर कोर। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये सब इसके लेयर्स होते हैं अर्थ के। अर्थ के लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ, ये सब अर्थ के लेयर होते हैं। और यहाँ पर बीच में, एग्जैक्टली बीच में टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। यही पर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं क्रस्ट और मेंटल के बीच में। So we'll study more about environmental studies in the next video. Please subscribe my channel and thank you so much for watching.